नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो तहसीलों के नाम को बदल दिया है। नैनीताल के कोशा कोटोली का नाम बदल दिया गया है। कोशा कोटोली को परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से अब जाना जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। भारत सरकार को भेजे गए तहसील का नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। क्षेत्रीय जनता और बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों ने सीएम धामी का आभार जताया है। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है, और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये क्योंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें एक साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोली का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। कि पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है, और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये क्योंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें एक साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है, और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोली का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। कि पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है, और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा के सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए हैं। तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी, शुरू से इस प्रकार से चार धाम यात्रा के समय बनी, वो चुनौती वहाँ भी है। वहाँ के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी, शुरू से इस प्रकार से चार धाम यात्रा के समय बनी, वो चुनौती वहाँ भी है। वहाँ के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां पर लोकसभा चुनाव में जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत मिला, इसके बाद लगातार उत्तराखंड में भी जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। सपा उत्तराखंड में खोया हुआ कुनबा जोड़ने में लगी हुई है। सपा अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। सपा नए सिरे से संगठन को अब मजबूत करेगी। आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने में सपा जुट गई है। तो सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचन का ये बयान सामने आया है। देखिए, पहले मैं निकाय के चुनाव के बारे में बता दूं। निकाय के चुनाव
अभी लोगों को जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी बैठक करके और लोगों को जागरूक करें और निकाय चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया है। जहाँ तक ये जो दो उपचुनाव हैं, एक बद्रीनाथ का और मंगलौर का, इस संबंध में जो भी निर्णय, क्योंकि अभी हम अपने इंडिया गठबंधन से पार्लियामेंट लड़ रहे थे और उसके बाद हम ये चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जब होगा, तैयारियां हमारी हैं। देखिए, पहले तो मैं निकाय के चुनाव के बारे में बता दूं। निकाय के चुनाव अभी लोगों को जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी बैठक करके और लोगों को जागरूक करें और निकाय चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया है। जहाँ तक ये जो दो उपचुनाव हैं, एक बद्रीनाथ का और मंगलौर का, इस संबंध में जो भी निर्णय, क्योंकि अभी हम अपने खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास नगर से खबर है जहां कांग्रेसियों ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर यानी कि उस क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। कांग्रेसियों ने उत्तराखंड में जनरेटर घोटाले का भी मामला उठाया है। मुख्यमंत्री धामी से घोटाले की जांच की मांग उठाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड के जंगल आग से तबाह नहीं होंगे। सांसद अनिल बलूनी ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने वनग्नि की रोकथाम के लिए नीति आयोग बनाएगा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्यों में वनग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए नीति आयोग सकारात्मक कदम उठाने जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीसी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।